हेलो फ्रेंड्स, वे टू गपजप चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनवरी महीने का सेकंड वीक का जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू से उनको हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं जनवरी महीने का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का दो पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने उन दो पार्टों को अभी तक नहीं देखे है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन दोनों पार्टों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है इंडिया फास्टेस्ट एंड फास्ट मल्टीपीटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष हैज एस्टेब्लिश्ड एट व्हिच इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन ए है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजी पुणे। मतलब इंडिया का जो फास्ट एंड फास्टेस्ट मल्टीपीटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष नाम दिया गया है उसको एस्टैब्लिश्ड किस इंस्टीट्यूट ने किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजी पुणे ने इसको एस्टैब्लिश किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, द 2018 नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज डेट इन इंडिया। नेशनल यूथ डे जो कि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है उसको किस डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा जनवरी 12, ऑप्शन बी जनवरी 11, ऑप्शन सी जनवरी 13, ऑप्शन डी जनवरी 14। तो ये तो इजी है, ये तो आपको आना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज जनवरी 12। जनवरी 12 को नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन लॉयर टू बी डायरेक्टली प्रोमोटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब पहले ऐसा महिला है जिसको लॉयर से डायरेक्टली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। ऑप्शन ए है हमारा रोमा जोसेफ, ऑप्शन बी है सुधा मिश्रा, ऑप्शन सी है मीनाक्षी अरोरा एंड ऑप्शन डी है इंदु मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज इंदु मल्होत्रा जी को डायरेक्टली, इंदु मल्होत्रा जी ही फर्स्ट ऐसा वोमेन है जिनको लॉयर से जज बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, सरजूबाला देवी हैज क्लिंच्ड गोल्ड इन व्हिच कैटेगरी एट द 2018 नेशनल ओमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नेशनल ओमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सरजूबाला देवी ने गोल्ड जीता है और किस कैटेगरी में जीता है। देखिए, ऑप्शन ए है हमारा 57 kg, ऑप्शन बी है 48 kg, ऑप्शन सी है 54 kg कैटेगरी एंड ऑप्शन डी है 62 kg कैटेगरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 48 kg कैटेगरी में सरजूबाला देवी ने गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, आफ्टर सिक्किम व्हिच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री। मतलब सिक्किम के बाद किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट को ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर्ड किया गया है ऑफिशियली। तो ऑप्शन ए है हमारा मणिपुर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश को ओपन डिफेक्शन फ्री अनाउंस किया गया है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ डे मिशन फॉर द 23rd विंटर ओलंपिक गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा विंटर ओलंपिक गेम्स को चीफ डे मिशन किसको बनाया गया है। सो ऑप्शन ए है हमारा ध्रुव बत्रा, ऑप्शन बी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी है हरजिंदर सिंह एंड ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज हरजिंदर सिंह को चीफ बनाया गया है। और हरजिंदर सिंह कौन है? हरजिंदर सिंह अभी जनरल सेक्रेटरी ऑफ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल नारी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ओमेन। ओमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल नारी को लागू किया है, लॉन्च किया गया है। तो कौन सी मिनिस्टर ऐसा है जिसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है हमारा मेनका गांधी, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है उमा भारती, ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी।
वोमेन एम्पावरमेंट के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है नारी, उसको लॉन्च किया है मानेका गांधी जी ने, मेनका गांधी जी ने। दैट इज ऑप्शन है, ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ 22 एंड नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल 22 एंड नेशनल यूथ फेस्टिवल का थीम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा यूथ फॉर यूनाइटेड इंडिया, ऑप्शन बी है संकल्प से सिद्धि, ऑप्शन सी है लक्ष्य एक दिशा, एंड ऑप्शन डी यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज संकल्प से सिद्धि, दैट इज संकल्प से सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, व्हिच टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया टू लॉन्च इट्स क्रिप्टो करेंसी, जो कि ऑनलाइन के द्वारा एक आदान प्रदान का करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया का कौन सा जैसे टेलीकॉम कंपनी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है हमारा टाटा डोकोमो, ऑप्शन बी है एयरटेल, ऑप्शन सी रिलायंस जियो, और ऑप्शन डी आइडिया सेलुलर। तो रिलायंस जियो ने इस क्रिप्टो करेंसी को लागू किया है, इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है। तो इस क्रिप्टो करेंसी का नाम आपको याद रहना चाहिए, इस क्रिप्टो करेंसी का नाम है जियो कॉयन, जियो कॉयन, ठीक है, जियो कॉयन। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, द 13th जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज आयरन फिस्ट 2018, और ये आयरन फिस्ट जो ड्रिल एक्सरसाइज है, 13वां आयरन मिलिटरी एक्सरसाइज है, स्टार्टेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड व्हिच कंट्री। तो ऑप्शन ए हमारा साउथ कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, एंड ऑप्शन डी फ्रांस। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बीच आयरन फिस्ट 2018 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।